सचमुच बिहार के लोग अभिनंदनीय हैं जिन्होंने वैश्विक महामारी कोरोना को परास्त करते हुए लोकतंत्र को विजयी बनाने के इस अभियान में अपना योगदान दिया है। और तीसरे चरण में आप सबको भी बिहार विधानसभा चुनाव में मताधिकार का अवसर प्राप्त होगा और इस देश से आपसे अपील करने के लिए विशेष रूप से मैं उत्तर प्रदेश से आपके बीच यहां पर आया हूं। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं जब चुनाव लोकतंत्र के इस महापर्व के रूप में हम लोग मना रहे हैं, उन स्थितियों में पूरी दुनिया वैश्विक महामारी कोविड की चपेट में है और हमें सावधानी बरतनी पड़ेगी। सावधानी इस बात की बरतनी पड़ेगी कि जब तक कोरोना वायरस पूरी तरह समाप्त नहीं हो जाता है, जब तक वैक्सीन या दवा हमारे पास नहीं आ जाती है, हमें सावधानी बरतनी पड़ेगी। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इसी बात का आह्वान हमारा किया है। उन्होंने एक ही बात कही है, जब तक दवा या वैक्सीन नहीं आती है तब तक बचाव ही सर्वोत्तम उपाय है। और बचाव के लिए 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी, हमें इसका पालन करना ही पड़ेगा। और भाइयों बहनों, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आप सभी मतदाताओं के सामने कोरोना परास्त हुआ है। और जब 10 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनाव का परिणाम सामने आएगा तो कांग्रेस और राजद भी परास्त होता हुआ दिखाई देगा। यही अपील करने के लिए आज मैं आपके बीच आया हूं। चुनाव जनता को करना है। और भाइयों बहनों, ये चुनाव हमारे लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह देश आज भारत को महाशक्ति के रूप में स्थापित करने के प्रधानमंत्री मोदी जी के अभियान के साथ खड़ा हुआ है। एक तरफ परिवारवाद को बढ़ावा देने वाली, जातिवाद के आधार पर सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने वाली, तुष्टीकरण की पोषक, और जब भी शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ तो उन्होंने बेमानी और भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा को पूरा करते हुए देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया। ऐसे कांग्रेस और राजद जैसे दल एक तरफ खड़े हैं, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जदयू एनडीए के रूप में आपके सामने है। घोषणाएं स्पष्ट हैं, मुद्दे स्पष्ट हैं, सबकी कार्यप्रणाली आपके सामने स्पष्ट है, बताने की आवश्यकता नहीं। और भाइयों बहनों, इसी स्पष्टता के साथ आपने देखा होगा पिछले 6 वर्षों से प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी हैं। और भाइयों बहनों, मोदी जी की कार्य पद्धति किसी से छुपी हुई नहीं है। मोदी जी के नेतृत्व में इस देश के अंदर जब पहली बार 2014 में मोदी जी को प्रधानमंत्री पद के रूप में देश की जनता ने अवसर दिया था, उस समय भाइयों बहनों, मोदी जी ने देश की जनता के सामने एक ही वायदा किया था। उन्होंने कहा था कि जो कांग्रेस के समय में होता था, कांग्रेस कहती थी ना किसी एक मत या मजहब विशेष के देश के संसाधनों पर अधिकार को जबरदस्ती यहां पर वह अधिकार दिखाने का प्रयास कांग्रेस करती थी। और मोदी जी ने कहा नहीं,
इस देश के संसाधनों पर अधिकार इस देश के गरीबों का है, इस देश के किसानों का, इस देश के नौजवानों का है, इस देश की महिलाओं का है और समाज के प्रत्येक तबके का है। उन्होंने स्पष्ट किया कि हम विकास करेंगे सबका, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं करेंगे। देश की योजनाओं का लाभ समाज के प्रत्येक तबके को मिलेगा। इसमें जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा ये नहीं देखा जाएगा। योजनाओं का लाभ प्रत्येक नागरिक को देंगे और देखते ही देखते 6 वर्ष के दौरान 3 करोड़ गरीबों को एक एक आवास उपलब्ध करा दिया, 4 करोड़ गरीबों को निःशुल्क विद्युत के कनेक्शन उपलब्ध करवा दिए गए, 8 करोड़ गरीबों के लिए रसोई गैस के निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध करवा दिए गए। और भाइयों बहनों, आपने देखा होगा 10 करोड़ गरीबों को निःशुल्क शौचालय उपलब्ध कराने का कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी ने उपलब्ध कराया, 12 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ उपलब्ध कराया, 15 करोड़ नौजवानों के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में आर्थिक स्वावलंबन का रास्ता खोला, 35 करोड़ गरीबों का जनधन अकाउंट खुलवा करके उन्हें देश के वित्तीय समावेशन के साथ जोड़ने का कार्य किया, और भाइयों बहनों 50 करोड़ गरीबों को आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया। और कोरोना कालखंड में 80 करोड़ गरीबों को निःशुल्क राशन उपलब्ध कराने का कार्य भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विकास की योजनाएं घर घर तक, गांव गांव तक पहुंचाने का कार्य हो रहा है। 6 वर्ष के कार्यकाल में गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, व्यापारियों के लिए, समाज के प्रत्येक तबके के लिए योजनाएं बनी। और दूसरी तरफ जब इस देश की जनता जनार्दन ने मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास करते हुए दूसरी बार उन्हें अवसर दिया, तो मोदी जी ने दूसरे कार्यकाल में आने के बाद एक ही बात कही थी। उन्होंने कहा 5 वर्ष गरीबों के लिए, अगले 5 वर्ष देश के उत्थान के लिए। और भाइयों बहनों, आपने देखा होगा, मैं जानता हूं कटिहार और आसपास का क्षेत्र घुसपैठ की समस्या से त्रस्त रहता है और घुसपैठ की समस्या का भी समाधान मोदी जी ने निकाला है। उन्होंने एक बात स्पष्ट कर दी, जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में प्रताड़ित हैं, आपने देखा होगा भारत के अंदर भी अल्पसंख्यक समुदाय है, विशेष अधिकारों के साथ यहां रहता है, उसे कोई परेशानी नहीं। लेकिन बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अंदर रहने वाले अल्पसंख्यक हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, इन सब के साथ किस प्रकार का अत्याचार होता है किसी से छुपा हुआ नहीं है। नागरिकता संशोधन कानून के माध्यम से उनकी सुरक्षा का की गारंटी देने का कार्य जहां प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, वहीं भारत सरकार ने इस बात को भी कहा है अगर कोई घुसपैठिया भारत की सुरक्षा पर सेंध लगाने का कुत्सित प्रयास कर रहा है, उसे निकाल बाहर करने का कार्य भी करेंगे। भाइयों बहनों, ये देश की सुरक्षा के साथ और देश की संप्रभुता के साथ कोई भी खिलवाड़ हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। आज ये कार्य इसलिए हो रहा है क्योंकि भारत को एक परिवार के रूप में, भारत की 135 करोड़ की आबादी को एक परिवार के रूप में मानने के लिए भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ
दूसरी तरफ कांग्रेस और राजद का भी गठबंधन है, जिनको जब सत्ता में रहने का अवसर प्राप्त हुआ तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जाति के नाम पे समाज को मांटा। लेकिन भाइयों बहनों, जब अवसर मिला तो एक परिवार ने, कांग्रेस में भी एक परिवार और राजद का भी एक परिवार, उसमें परिवार ही पार्टी है और पार्टी ही देश है, उससे बाहर दृष्टि ही नहीं है, उससे बाहर सोचना ही नहीं है, और ये लोग उसी को लेकर के पार्टी और परिवार से बाहर इनकी दृष्टि ही नहीं है। आज जो रोजगार का झुनझुना दिखाने का कार्य कर रहे हैं, इसमें सच्चाई नहीं, क्योंकि गरीबों के लिए ये लोग मकान नहीं दे पाए, शौचालय नहीं दे पाए, रसोई गैस का कनेक्शन नहीं दे पाए, बिजली का कनेक्शन नहीं दे पाए, स्वास्थ्य बीमा का कवर नहीं दे पाए, गरीबों को खाद्यान्न नहीं दे पाए, और अवसर मिला मूक जानवरों का राशन भी चट कर गए, और आज ये रोजगार का झुनझुना पका करके जनता की आंखों में धूल झोंकने का कार्य कर रहे हैं। इस बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं है। आपने देखा होगा मोदी जी ने दूसरे कार्यकाल के दौरान एक और मत कदम उठाया है, और उन्होंने कहा कि सदियों से आधी आबादी जिस प्रताड़ना को झेल रही थी, तीन तलाक की कुप्रथा को सदैव के लिए समाप्त करने का कार्य भी मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, याद करिए 2008 का वो दिन जब मुंबई पर आतंकी हमला होता है, उस समय बिहार के भी कुछ नागरिक वहां हताहत हुए थे, उत्तर प्रदेश के भी, देश के भी अलग अलग हिस्सों से वहां पर जवान कोई शहीद हुआ था, कोई नागरिक वहां पे हताहत हुआ था, और उस घटना के बाद देश के अंदर आक्रोश का जो ज्वार फूटा था, देश की जनता ने मांग की थी कि पाकिस्तान पर हमला किया जाना चाहिए, पाकिस्तान को इसका जवाब दिया जाना चाहिए, लेकिन कांग्रेस का नेतृत्व क्या कहता था पाकिस्तान के पास एटम बम है, पाकिस्तान के एटम बम से कांग्रेस का नेतृत्व घबरा रहा था। लेकिन जब आपने देखा होगा फरवरी 2019 में पुलवामा में भारत के सीआरपीएफ के बहादुर जवानों पर पाकिस्तान प्रस्त आतंकवादियों ने कायराना हमला किया था, तब प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि हमारे जवान इसका बदला कैसे लेना है स्वयं तय करेंगे, और एक महीना भी पूरा नहीं हुआ पाकिस्तान के अंदर घुस करके सभी आतंकी कैंपों को नष्ट करने का कार्य किया था भारत के बहादुर जवानों ने। आपने पिछले एक सप्ताह के अंदर सभी टेलीविजन में जो एक समाचार आ रहा था प्रमुखता के साथ कि पाकिस्तान की संसद में बहस चल रही थी, और पुलवामा हमले के बाद विंग कमांडर अभिनंदन को सुरक्षित भारत लाने के बारे में जब बात हुई, तो उस समय कैसे पाकिस्तान के अंदर उस बैठक में पाकिस्तान के आर्मी प्रमुख कैसे पसीने से तरतर थे ये सुनकर के कि भारत हमला कर देगा तो क्या होगा पाकिस्तान का, क्या स्थिति थी उस समय इमरान खान की और वहां के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री की, सब भयभीत थे कि कहीं भारत हमला करके पाकिस्तान का काम तमाम न कर दे। ये है नया भारत, हम युद्ध नहीं, लेकिन कोई हम पर जबरन आतंकवाद थोपेगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब देने का मादा भी रखते हैं। ये है नया भारत, मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत आज कार्य कर रहा है। और भाइयों बहनों, ये नया भारत ही दुनिया के अंदर भारत की ताकत का एहसास करा रहा है, और आज इसीलिए तो दूसरे कार्यकाल की तीसरी महत्वपूर्ण उपलब्धि रही है। आप याद करिए तो 1952 में कांग्रेस नेतृत्व की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार ने कश्मीर में धारा 370 लगा करके बिहार के लोगों को, उत्तर प्रदेश के लोगों को जो कश्मीर में बसना चाहते थे
उनको सरकार से वंचित कर दिया। आज धारा 370 को हटा करके आतंकवाद को सदैव के लिए समाप्त करने का कार्य, और अगर बिहार का नागरिक और कटिहार का नागरिक भी चाहेगा तो जम्मू कश्मीर के अंदर अपने लिए जमीन लेकर के मकान बना सकता है, वैसे ही जैसे बिहार के अंदर हर व्यक्ति ले सकता है। यह अधिकार भी मोदी जी ने आपको दिया है। भाइयों बहनों, ये सारे कार्य हो ही रहे हैं, लेकिन जब मैं इस मिथिलांचल क्षेत्र में आता था, लोकसभा चुनाव में आया था, तब भी मेरे सामने यहाँ के लोगों ने एक ही बात कही। उन्होंने कहा, योगी जी आप लोग आते हैं चुनाव में, कहते हैं रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, क्या तारीख भी बताएंगे? और आज तो मैं आप सबको खुशखबरी सुना करके आ रहा हूँ, सुनाने के लिए आया हूँ। भाइयों बहनों, 500 वर्षों में जो काम नहीं हो पाया मोदी जी के नेतृत्व में, न्यू इंडिया ने वो काम करके दिखा दिया। 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर का शुभारंभ भी प्रधानमंत्री मोदी जी के करकमलों से प्रारंभ हो चुका है। मंदिर निर्माण युद्ध स्तर पर प्रारंभ हो चुका है। भाइयों बहनों, मेरी हार्दिक इच्छा थी अयोध्या में राम मंदिर के शुभारंभ के उस कार्यक्रम में बिहार के हर गांव का भी प्रतिनिधित्व हो, लेकिन कोरोना के कारण जो गाइडलाइन थी उस गाइडलाइन का पालन करते हुए हम लोग ये नहीं कर पाए। लेकिन हम ईश्वर से प्रार्थना करें कोरोना जल्दी समाप्त हो, अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर जल्दी बने, और बिहार के हर गांव से हम लोग आप लोगों को आमंत्रित कर सकें। अयोध्या में भगवान राम और माता सीता के धाम पर आपको भी आमंत्रित करके अयोध्या में कार सेवा के उस अनोखे कार्यक्रम में आप सब भी सहभागी बन सकें, जहां पर हमारी ये पीढ़ी सौभाग्यशाली है कि अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण के कार्य को अपनी आंखों से हम सब देख पा रहे हैं। इससे बड़ा सौभाग्य हमारे लिए और क्या हो सकता है? और भाइयों बहनों, इसी गौरवशाली क्षण के साथ आपको जोड़ने के लिए आज मैं विशेष रूप से यहां पर आया हूं। ये लड़ाई अभी प्रारंभ हुई है, ये लड़ाई अभी अंत नहीं, ये तो प्रारंभ है, और इसलिए हमें किसी बहकावे में नहीं आना है। बिहार के अंदर भी डबल इंजन की सरकार, जैसे दिल्ली में केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में और बिहार में नीतीश जी के नेतृत्व में कार्य कर रही है, यह निरंतर कार्य करना चाहिए, क्योंकि जब दोनों एक साथ चलेंगे तो भाइयों बहनों, ये डबल इंजन की सरकार हर प्रकार की अव्यवस्था, भ्रष्टाचार, अराजकता को दूर करते हुए विकास और सुशासन के बिहार के मॉडल को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करेगी। और इसी अभियान के साथ आज आप सबको जोड़ने के लिए, आपका आह्वान करने के लिए श्री तारकिशोर प्रसाद जी को भारतीय जनता पार्टी NDA ने अपना प्रत्याशी बनाकर के आपके बीच उतारा है। आपने 3 बार उन्हें अपना आशीर्वाद दिया है, 4थी बार भी आपका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मैं आपसे अपील करने के लिए आपके बीच आया हूं। मैं जानता हूं आपका आशीर्वाद और आपका समर्थन उन्हें है, कोई संदेह नहीं, क्योंकि जिन्हें घुसपैठ की समस्या का समाधान करना है, जिन्हें भारत के स्वाभिमान और सम्मान को आगे बढ़ाना है, जिन्हें नौजवानों के लिए रोजगार को लेकर के आगे बढ़ाने की चिंता है, और जिन्हें बिहार और कटिहार के विकास की चिंता है, वह भारतीय जनता पार्टी और जदयू का समर्थन कर रहा है। वह हर नागरिक जाति मत मजहब से ऊपर उठ करके इस प्रकार के कार्यक्रमों में अपना सहयोग कर रहा है, और इसीलिए आप सबके सहयोग और समर्थन के लिए आज मैं विशेष रूप से आपके बीच यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। आप सबसे अपील है, कमल चुनाव चिन्ह पर भारतीय जनता पार्टी और जदयू के समर्थित हमारे प्रत्याशी सितार किशोर जी को
भारी मतों से 7 नवंबर को होने वाले चुनाव में विजयी बनाने के अपील आप सबसे करने के लिए आपके बीच आया हूं। आप सभी लोग भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन देंगे, सभी लोग पीछे पीछे भी सबसे बोल रहा हूं, एक बार हाथ खड़ा करके थोड़ा अपना समर्थन दिखाइए मुझे, आश्वस्त होकर के जाओ। भाइयों बहनों, आपके पास स्मार्टफोन होगा, अपने स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हुए नातेदार रिश्तेदार मित्रगण शुभचिंतकगण सबको इस बात का आह्वान करते हुए कि 7 नवंबर को चुनाव में जहां जहां भी भाजपा के जदयू के और सहयोगी दलों के प्रत्याशी होंगे उनके चुनाव चिन्ह पर वोट देने की आवश्यकता है। बिहार को विकास और सुशासन के मॉडल पर आगे बढ़ाने की आवश्यकता है और यही आह्वान करने के लिए आज आपके बीच आया हूं। मैं आप सबसे अपील करूंगा 7 नवंबर को भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को भारी बहुमत से विजयी बना करके बिहार विधानसभा में आप भेजेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।